अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मोहब्बत का शरबत। ये कलिंगड़ का ही शरबत होता है, इसे मोहब्बत का शरबत भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने वाटरमेलन ले लिए हैं, इनके सीड्स को मैंने रिमूव कर दिया है। जितनी भींजें आप निकाल सकते हैं उतनी निकाल लें और इसको इस तरीके से बारीक बारीक सा हम कट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कट करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से हमें इसमें कट्स लगा देने हैं, गहरे कट्स लगाएंगे ताकि अंदर तक इसकी कटिंग हो जाए। फिर इस तरीके से क्रॉस इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं मैंने इसके, इसी तरह से कट कर लेना है आपको। घर में ये शरबत बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें भींजे वगैरह हम बिल्कुल सफाई से बनाते हैं, भींजे निकाल देते हैं। बाहर जब हम पीते हैं तो काफ़ी सारी भींजे भी अक्सर मुँह में आ जाया करती है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ये होगा कि जब मैं नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी तो वो आपको दिखेगी। तो इसी तरह से सारे वाटरमेलन्स कट कर लेने हैं। बीच बीच में अगर आपको बीज दिखाई दे तो आप रिमूव कर लें। अब ये मैंने दूध ले लिया है, 500 ml दूध यानी 2 कप दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध लिया है मैंने। ये मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ दूध, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इसका शरबत वगैरह बना सकते हैं। अगर आप पैकेट का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप उसको उबाल लें, फिर ठंडा करके उसका शरबत बनाइए। अब 1/3 कप इसमें रुआबज़ा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल डार्क कलर नहीं चाहिए शरबत का, लाइट पिंक इस तरीके का कलर हमें चाहिए। तो 1/3 कप रुआबज़ा इसमें डाला है मैंने। 2 ड्रॉप हम रोज़ एसेंस की डालेंगे, सिर्फ 2 बूंद डालना है क्योंकि रुआबज़ा में भी काफ़ी खुशबू होती है। रोज़ एसेंस डालने से बिल्कुल बाहर जैसा आपका शरबत बनके तैयार होगा। और ये 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, आधी आधी करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पाउडर शुगर ईजीली घुल जाती है इसलिए मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा और मज़ेदार सा ये शरबत बनकर तैयार होता है। इफ्तार में बनाइए, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के लिए भी बहुत परफेक्ट ड्रिंक है। आप इसको बना सकते हैं, पी सकते हैं, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ ड्रिंक है ये। तो अब वाटरमेलन जो हमने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, जितने आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आप उतने इसमें ऐड कर सकते हैं, इतने मुझे काफ़ी लग रहे हैं। तो ये देखिए शरबत बनके रेडी है। इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। शक्कर मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड की थी क्योंकि जब हम बर्फ़ डालेंगे तो वो पिघलती जाएगी तो शरबत फीका हो जाता है। तो अब 1/2 कप शक्कर डालेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो शरबत को मैंने सर्व कर लिया है। थोड़ा सा हम ऊपर से इसमें रुआबज़ा डालेंगे, आप चाहे तो रोज़ पेटल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हमारा मोहब्बत वाला शरबत बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको व्यूअर्स मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।